नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब लोगों को फ्रॉड कॉल्स और मैसेज में मिलेगी राहत। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस व्यवस्था के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा का हो रहा है आयोजन। उद्योग मंत्री ने बताया, बिहार बनेगा जॉब क्रिएटर, बेरोजगारों की समस्या होगी दूर। धोनी ने विराट के साथ अपने रिश्ते का किया खुलासा। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर हुआ तबादला। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर हुआ तबादला। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों का तबादला बिहार में किया गया है। इसके अलावा कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार 3 IAS अधिकारियों को सौंपा गया है। साथ ही प्रदेश में मगध, सारण और तिरहुत प्रमंडल के आयुक्तों का तबादला भी कर दिया गया है। इन तबादलों की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। अधिसूचना के तहत समाज कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजीत कौर बमहारा को बनाया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम के MD के दायित्व से वंदना प्रेयसी को मुक्त कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव सहकारिता एवं लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मलल को बनाया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस व्यवस्था के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा का हो रहा है आयोजन। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सभी विद्यालयों में परीक्षा कॉपी के मूल्यांकन का काम दूसरे स्कूल के शिक्षक करेंगे। साथ ही परीक्षा के दौरान दूसरे स्कूल के ही शिक्षक सभी स्कूलों में वीक्षण के लिए आएंगे। शिक्षा विभाग के इस फैसले का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट ये दिखलाएगा कि किस स्कूल के शिक्षकों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार में मॉनसून पड़ा कमजोर, फिर भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश में 25% तक की कमी आई है, लेकिन प्रदेश के आसपास के राज्यों में जमकर बारिश होने से प्रदेश की नदियां लबालब भर गई हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पछुआ हवा और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम की वजह से बिहार में मॉनसून की बारिश से प्रभावित हुई है। इस बार मॉनसून ट्रफ दक्षिण की ओर से शिफ्ट हो गया है, जिससे मध्य भारत में अधिक बारिश हो रही है। बिहार में 206 छोटी बड़ी नदियों से पानी आने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। गंगा, कोसी, गंडक जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है। अब लोगों को फ्रॉड कॉल्स और मैसेज से मिलेगी राहत। 1 सितंबर 2024 से मोबाइल यूजर्स को अनचाहे कॉल्स से राहत मिलने की उम्मीद है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने BSNL, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो समेत सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस गाइडलाइंस के तहत 140 नंबर सीरीज से आने वाली टेली मार्केटिंग कॉल्स और कमर्शियल मैसेजेस को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जाए। इससे ठगी कॉल्स पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन DLT पर रजिस्टर्ड कंपनियों की कॉल्स और मैसेजेस जारी रहेंगे। यूजर्स को नंबर ब्लॉक करने होंगे। आपात स्थितियों के लिए कुछ समय के लिए नंबर अनब्लॉक किए जा सकते हैं, लेकिन यदि कंपनियां इसका दुरुपयोग करती हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन रद्द कर दी जाएगी और दोहराए जाने पर ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। नई सीरीज में प्रमोशनल कॉल्स और मैसेजेस से पहचानना आसान होगा। देश में जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर राजद ने किया धरना प्रदर्शन। देश में जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर राजद ने किया धरना प्रदर्शन। बिहार में आरक्षण और देश में जातीय जनगणना को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं। इसी कड़ी में आज राजद नेताओं ने प्रदेश के 32 जिलों में इस मुद्दे पर धरना देने बैठ गए। इस धरना प्रदर्शन में राजद नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, नेता उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश नारायण और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई राजद नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता राजद ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठकर धरना देते दिखाई दिए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ PM से मिले थे। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग भी की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार राजी नहीं हुई।
उद्योग मंत्री ने बताया बिहार बनेगा जॉब क्रिएटर, बेरोजगारी की समस्या होगी दूर। बिहार में रोजगार बढ़ाने और पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार कई कोशिशें कर रही है। अब इसी कड़ी में बिहार के पर्यटन मंत्री और उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार जॉब क्रिएटर राज्य बनने वाला है। बिहार के लोग अब दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार दे सकेंगे ताकि भारत को भी विकसित किया जा सके। आगे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य पहले 5,000 से बढ़कर 7,000 किया गया है। बिहार सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने वाला है। आपको बता दें कि माननीय ने ये सभी बातें महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में MSME संवर्धन सह प्रशिक्षण में एक दिवसीय आयोजित कार्यशाला के दौरान कही थी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद थे। जदयू के पार्टी प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने दिया इस्तीफा। जदयू के पार्टी प्रवक्ता पद से जदयू नेता केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस पद पर केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। अब तक केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जदयू की तरफ से जारी पत्र में जानकारी मिली है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। मालूम हो कि केसी त्यागी सीएम नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इनके इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में काफी चर्चा देखने को मिल रही है। बिहार के नए DGP आलोक राज ने पद संभालते ही पुलिस कर्मियों को दिए जरूरी निर्देश। बिहार के नए DGP आलोक राज ने शनिवार को पटना पुलिस कार्यालय का दौरा किया और लगभग 2.5 घंटे तक पुलिस के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस को आपराधिक मामलों का खुलासा करने के साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई करने पर भी ध्यान देने और सुबह के समय गश्ती को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्राइम कंट्रोल, वारंट निष्पादन, लंबित मामले के निपटारे, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और गश्ती व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही है। इस दौरान DGP ने पुलिस कर्मियों को टीम भावना से काम करने की सलाह दी और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। DGP के साथ ADG और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद करने की तारीख में हुई बढ़ोतरी। पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिले के करीब 76 स्कूल को 31 अगस्त तक बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब स्कूल बंद करने की अवधि में विस्तार करते हुए 5 सितंबर कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी 5 सितम्बर तक स्कूल बंद रहने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये फैसला गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लिया गया है। नदी की धारा तेज होने की वजह से बच्चों और शिक्षकों दोनों पर ही जान का खतरा बना हुआ था। जिन क्षेत्रों के स्कूल बंद किए गए हैं उनमें अथमल, गोला, बाहर बख्तियारपुर, दानापुर, फतुहा, मनेर, मुकाम और पटना सदर का दियारा क्षेत्र के कुछ पंचायत शामिल है। गिरिराज सिंह पर हमला करने वाला आप पार्टी का कार्यकर्ता, बचाव में पार्टी ने कही ये बात। बीते शनिवार को जनता दरबार के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हुआ था। हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान वार्ड पार्षद मोहम्मद सैफी के रूप में हुई है और उसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया गया है। फिलहाल इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में बिहार आप पार्टी ने खबरों का खंडन किया है। आप पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अंगेश सिंह ने इस मामले को लेकर कहा है कि गिरिराज सिंह पर हमला नहीं हुआ है, मोहम्मद सैफी को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैफी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुने हुए पार्षद हैं। वे गिरिराज सिंह के पास क्षेत्र की मांगों को लेकर गए थे, लेकिन गिरिराज सिंह के सुरक्षा कर्मियों और BJP नेताओं ने उन्हें पीटा और उल्टा आरोप भी लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। आज विशेष मिलन समारोह में जदयू में शामिल हुए श्याम रजक, पूर्व मंत्री और फुलवारी शरीफ से 6 बार विधायक रहे श्याम रजक ने जदयू कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान एक बार फिर से जदयू का दामन थाम लिया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा और सुनील कुमार सहित और भी कई पार्टी के सदस्य मौजूद थे। आपको बता दें कि श्याम रजक इससे पहले राजद में थे, जहां राजद से 22 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में बढ़ रहे डेंगू मरीज, पटना बना हॉटस्पॉट। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पटना डेंगू के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां सबसे ज्यादा मरीज कंकरबाग और अजीमाबाद में देखने को मिले हैं। पटना में इससे बीते दिन कुल 33 मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 53 नए डेंगू मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 280 के पार पहुँच गया है। जो इलाके डेंगू स्पॉट है वहाँ जल जमाव, खुले सीवर और ध्वस्त मैनहोल की और गंदगी की समस्या देखी जा रही है। चिराग पासवान के शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगाए गए झूठे आरोप हुए साबित।
चिराग पासवान के शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगाए गए आरोप झूठे हुए साबित। अभी हाल में ही झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजेंद्र शुक्ला ने चिराग पासवान के शैक्षणिक योग्यता को लेकर कुछ दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चिराग के पास बीटेक की डिग्री नहीं है। उन्होंने यहाँ नामांकन तो लिया था, लेकिन उन्होंने केवल पहले सेमेस्टर की परीक्षा ही दी थी। प्रोफेसर के इस दावे के बाद काफी सियासत भी देखने को मिली, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के शैक्षणिक रिकॉर्ड को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने खंगाला तो पाया कि चिराग ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 सेमेस्टर में पास किया था। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इंजीनियरिंग में केवल 2 सेमेस्टर तक ही पढ़ाई का उल्लेख किया है, किसी भी डिग्री का उल्लेख नहीं है, जिससे प्रोफेसर का दावा झूठा पाया गया है। आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव पर काली कमाई के मामले में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश ईडी ने राज्य सरकार से करते हुए बिहार के डीजीपी और विशेष निगरानी इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान को पत्र भेजा है। इस पत्र में संजीव हंस और गुलाब यादव की अवैध संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। ईडी ने पत्र के जरिए स्पष्ट तौर पर कहा है कि काली कमाई और पद का दुरुपयोग करके जमा की गई करोड़ों की अवैध संपत्ति से जुड़े सभी साक्ष्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर पूरी तरह से आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। धोनी ने विराट के साथ अपने रिश्ते का किया खुलासा। क्रिकेट की दुनिया में एमएस धोनी और विराट कोहली दोनों ही बड़ा नाम है। दोनों ही खिलाड़ी लेजेंड्स के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों की दोस्ती भी काफ़ी गहरी देखी जाती है। अभी हाल में ही धोनी ने कोहली को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है, जिस वजह से दोनों के रिश्ते को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल एक इवेंट के दौरान धोनी से उनके विराट के रिश्ते को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से एक साथ खेले हैं। उन्होंने कहा हम 2008-2009 से एक साथ खेले हैं, हमारी उम्र में काफ़ी अंतर है। मुझे नहीं पता कि मैं एक बड़े भाई की तरह हूँ या एक कलीग हूँ, आप जो चाहें इसे नाम दे सकते हैं, लेकिन हम कलीग रहे हैं, सालों तक भारत के लिए साथ खेले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सुमन मिश्रा, अमित कुमार, रंजित मिश्रा, बिरजू कुमार, रवि भूषण झा, पुरुषोत्तम कुमार, कल्याणी चौधरी, शिव शक्ति, किशोर सिंह, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद ताजुद्दीन, जीतू कुमार गिरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच क्या आप डेंगू से बचाव के उपाय अपना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।